पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्रीराम मानस मंच के बैनर तले हर वर्ष मुरादाबाद का नाम बॉम्बे में मशहूर होता है। पिछले 40 वर्षों से मुरादाबाद के कलाकार बॉम्बे में अपनी प्रस्तुति देकर बॉम्बे निवासियों को अपनी प्रतिभा का कायल बनाते आए हैं। हर वर्ष रामलीला से पहले दीनदयाल नगर में हारमोनियम की सुरीली आवाज और डायलॉग गूंजने लगते हैं। रामलीला से पहले ही आसपास के लोग रामलीला मंचन का अनुभव करने लगते हैं। इसी कड़ी में श्रीराम मानस मंच के संस्थापक और निर्देशक राजेश रस्तोगी के आवास पर आज मंच के सभी कलाकारों ने रिहर्सल की शुरुआत की। राजेश रस्तोगी बताते हैं कि पिछले 40 वर्षों से मुरादाबाद के कलाकार बॉम्बे जाकर अपनी कला का प्रस्तुतीकरण करते हैं। सभी कलाकार मुरादाबाद के निवासी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आगे बढ़ रही है। अभ्यास के दौरान रावण सीता संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, रावण राम युद्ध संवाद की झलकियां देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि मंच के सभी कलाकार मुरादाबाद के निवासी हैं और जिन कलाकारों ने अब तक इस मंच पर अभिनय किया है वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं और टीवी सीरियलों में काम कर रहे हैं। से बॉम्बे में शुरू होने वाली रामलीला मंचन को लेकर मुरादाबाद में अभी से तैयारी शुरू हो गई। दीनदयाल नगर निवासी राजेश रस्तोगी के आवास पर आज श्रीराम मानस मंच के बैनर तले कलाकारों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। प्रभु श्री राम की सेवा में सारी संस्था लगी हुई है। मैं राजेश रस्तोगी, संस्थापक निर्देशक श्री राम मानस मंच। ये श्री राम मानस मंच संस्था 40 सालों से लगातार मुंबई के भव रंगमंच पर रामायण का प्रदर्शन करती चली आ रही है। हम लोग मलाड मुंबई में जाकर अपनी रामलीला करते हैं। वहाँ पर पिछले 40 सालों से लगातार हम लोग प्राइज जीत रहे हैं। पुरस्कार प्रथम, सेकेंड, द्वितीय, तृतीय सारे पुरस्कार वो हम लोगों को मिल चुके हैं। जितने भी मुंबई के धनाढ्य लोग हैं, अच्छे बढ़िया लोग, परिवार के लोग, वो हमारी रामलीला देखने आते हैं। मीडियम परिवार के लोग भी आते हैं, जनरल भी लोग आते हैं, लेकिन हमारी जो रामलीला है उसको देखने के लिए बहुत ऐसे लोग जिन बच्चों का आज की तारीख में पिक्चर्स में और मूवी में इनमें सब में इंटरेस्ट होता है, डांडिया में इंटरेस्ट होता है, वो सब छोड़ के हमारी रामलीला देखने आते हैं। ये हमारी रामलीला की खासियत है, खूबी है। और पिछले 40 सालों से जो हम वहाँ पर रामायण का प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें लगातार हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे संजीव भारद्वाज जी हैं, 40 साल से हैं। पहले लक्ष्मण बनते थे, फिर राम बने, फिर हनुमान बने, फिर जनक बन रहे हैं। अब उनकी बेटी सीता बन रही है, एक बेटी सखी बन रही है, बेटा उनका छोटा राम बन रहा है। खुद वो गुरु रविशंकर जी के शिष्य हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, खुद टीचर हैं। दिलीप भटनागर जी हैं, वो पहले हमारे यहाँ हनुमान बनते थे, उसके बाद अब सुग्रीव बन रहे हैं। उनकी बेटी सीता बनती थी, अभी टीवी चैनल में काम कर रही है। उनकी दूसरी बेटी केकई बनती थी, वो आजकल प्रोफेसर हो गई है। तो इस तरह से परिवार के परिवार हमारे यहाँ बंटी बबली हैं। बंटी लक्ष्मण बनते थे, फिर भरत बने, उनकी मिसेज सीता बनती थी, जब शादी नहीं हुई थी हमारे संस्था में सीता बनती थी, फिर उन दोनों की शादी हो गई, अब उनकी बेटी कई साल सीता बनी, उनका बेटा लक्ष्मण बना। तो इस तरह से हम परिवार के साथ चल रहे हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है हमारी संस्था में। और पिछले 40 सालों से 25-30 लोग, गुरु श्री ब्रजगोपाल व्यास जी, श्री दिनेश मानस जी, ये सारे लोग हैं जो 40 साल से हमारा ग्रुप बना हुआ है। हम लोग साथी हैं, हम अच्छे और बुरे, सुख और दुख सब में साथ रहते हैं। हमारी जो संस्था है उसमें सभी लोग भक्त हैं। पैसे के लिए ना कोई रामलीला करने जाता है, ना कोई रामलीला में अपना समर्पण करता है, सब भक्त हैं, पूरी तरह से भक्ति में लीन है। और हम लोग पूरी भक्ति से रामायण का प्रदर्शन करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के जितनी भी जनता है वो सब प्रभु श्री राम से अपना कुछ सीखे, प्रभु श्री राम की पूरी जीवन में से कुछ अंश भी अपने जीवन में डाल लेगा तो उसकी तरक्की होगी। जो रामायण को देखता है, जो रामायण को करता है, जो राम के बारे में जानता है, जो राम के बारे में लोगों को बताता है, उसके परिवार में खुशियाँ आती हैं।